तो दोस्तों काफी दिनों के बाद एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने 10 नए अपडेट के साथ, और सभी ये जो 10 अपडेट है ना आपके लिए बड़े ही काम के होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि हमारे ये नया लोगो और नया इंट्रो आपको कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। और इसके अलावा दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि हम पिछले 20-21 दिनों से हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, और इस दौरान काफी सारे हमारे साथियों के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि राजगुरु जी मखा बोला आप हो कैसे, आपका कोई अता पता नहीं है, ठीक ठाक हो, स्वास्थ्य पानी अच्छा खासा है कि नहीं है। तो भैया देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को, जिन जिन साथियों ने मेरे हालचाल पूछे हैं उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं आपको भी मेरा ख्याल रहता है, जिस तरह से मैंने आपको हमारी फैमिली माना है उसी तरह से आपने मुझे भी अपने फैमिली का एक हिस्सा है वो माना है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है जो सबके जहन में आ रहा है कि भैया 15-20 दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रहे थे। तो भैया देखिए, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन देखिए हम किसान की औलाद हैं, जमींदार के बेटे हैं, तो भैया हमारे घर के कामकाज काफी ज्यादा हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा, देखिए हाल ही में हमने नए मकान बनाए थे, तो थोड़े दिन पहले भी हम फर्नीचर का काम है वो कर रहे थे, और मैं खुद ही कर रहा था, बीच में छोड़ दिया था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उससे कंप्लीट करने के लिए भैया ये 15-20 दिन का वो टाइम लग गया। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक दो फोटो वगैरह वगैरह वो दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर टेबल है वो बनाई थी बच्चों के लिए, और इसके साथ किचन का काम भी कुछ इस तरह से किया है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ पेड़ की जो कलाकारी है वो भी की है, कुछ घर की जो आलमारियां हैं वो भी हमने यहाँ पे कुछ इस तरह की सी कुछ काम किया था। अगर आप चाहो तो एक व्लॉग के माध्यम से आपको पूरी हाईलाइट है वो दिखा देंगे। अब कुछ साथी ये भी कह सकते हैं कि यार आप किसी से दूसरे से करवा सकते हैं, हाँ बिल्कुल करवा सकता हूं, लेकिन यार एक बात बताना चाहूंगा, मुझे देखिए काम करने का बड़ा शौक रहता है, जुनून रहता है कि नई नई चीज कैसे सीखी जाए। हालांकि मैं कोई खाती नहीं हूं, कोई झांगड़ परिवार से नहीं, वैसे मेरी अगर मैं बताऊं तो मैं जाट कास्ट से हूं, लेकिन मुझे शौक है हर चीज का काम करने का। यहां पर देखिएगा अपने घर काम के जो भी काम काज होते हैं ना वो सब कुछ मैं ही कर लेता हूं। मैं बाहर मिस्त्रियों के पास बहुत ही कम जाता हूं, आपको सिखाने का काम कर लेता हूं, रगड़ा घसी का भी काम कर लेता हूं, सब काम है आराम से कर लेता हूं, किसी दिन और वाकई पर वो आपको वो करवाएंगे। खैर कोई बात नहीं, बेसिक बातें काफी बातें हो गई, यहां पे चलिए अपडेट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए पिछले 20-21 दिनों से काफी नए अपडेट आए, हालांकि सभी को तो मैंने यहां पर शामिल नहीं किया, लेकिन आपके लिए जो 10 अपडेट जो मुझे काम के लगे हैं वो मैंने यहां पर शामिल किए हैं। और अगर उसके बाद आप जो भी जानना चाहते हो, अब हमारी रेगुलर वीडियो आएंगे, नो टेंशन। तो चलिए इसके लिए हमारी जो सहायक सामग्री है वो मैं ले लेता हूं, क्योंकि काफी यहां पे अपडेट है। यहां पे सबसे पहला जो अपडेट है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए पीएसपी पोर्टल पर, देखिए हाल ही में पीएसपी पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने को लेके है, यहां पे अपडेट आया था। तो यहां पे देखिए डैशबोर्ड के ऊपर आपको पूरी ही प्रोफाइल है वो कंप्लीटली है वो दिखाई देगी। तो जहां जहां पे क्रॉस लगा हुआ ना, इसका मतलब है कि वो स्टेप आपने यहां पे कंप्लीट नहीं की है। तो अपने पीएसपी पोर्टल पर स्कूल की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीटली है, समय रहते अपडेट कर लीजिएगा। धीरे धीरे पीएसपी पोर्टल पर और नए अपडेट है वो आने वाले। इसके अलावा यहां पर देखिए दूसरा जो अपडेट है वो भी पीएसपी पोर्टल को लेकर, प्रपत्र 7 और 7A को, हालांकि देखिए शायद आपने भर दी होगी, लेकिन जैसे आज मैंने यहां पे पीसी को ऑन किया और बहुत सारे साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, तो यहां पे मैंने कई साथियों की यहां पे आईडी वगैरह वगैरह चेक की, तो मैंने यहां पे देखा कि अभी तक उन्होंने प्रपत्र 7 और 7A है वो कंप्लीट नहीं किया। अब किन किन को करना मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी जो स्कूलें हैं जिनको मान्यता कक्षा 12वीं तक मिली हुई है, तो यहां पे अद्वार्षिक परीक्षा के पेपर से रिकॉर्डिंग यहां पे नामांकन आपको देना 9 से लेकर 12 तक, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे अद्वार्षिक परीक्षा जिला समान पे न होकर के अब यहां पे संभाग स्तर पर होने वाली है, राज्य स्तर पे होने वाली है। तो इसलिए यहां पे यदि आप स्टूडेंट के नामांकन सूचना नहीं भरोगे तो अद्वार्षिक परीक्षा के पेपर आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा
कि एक बार आप अपनी प्रोफाइल करके विद्यार्थी की जो टैब है वहां पे प्रपत्र 7 और 7A का लिंक दिया गया है, चेक कर लीजिएगा। कंप्लीट नहीं किया तो भैया समय रहते कंप्लीट है वो कर लीजिएगा, अगर कंप्लीट नहीं हो रहा तो संबंधित CBO या DO ऑफिस से संपर्क है वो कर लीजिएगा, क्योंकि काफी दिन आ गए। मैंने भी चेक यहाँ पे नहीं किया है कि अभी इसमें एडिट वगैरह वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके अभाव में आपके जो बच्चे द्वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाएंगे। चलिए इसके अलावा यहाँ पे तीसरा जो अपडेट है वो है RBSC बोर्ड से, और इंपोर्टेंट अपडेट है। देखिए अब की बार RBSC बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 है भैया वो जनवरी में ही शुरू होने वाली है, अभी नवंबर चल रहा है, मात्र यूं मानिएगा 1-1.5 महीने का समय यहां पे बचा हुआ है। हर वर्ष यहां पे जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है वो फरवरी माह के मध्य में या अंतिम सप्ताह में होती है, लेकिन इस बार यहां पे पहले शुरू होगी, और शायद जहां तक मुझे लग रहा है एग्जाम भी पहले शुरू होगी, अगर पहले शुरू नहीं होगी तो बहुत देर बाद में शुरू होगी। और इसका कारण यह है कि देखिए इस बार रिट की एग्जाम होने वाली है, और रिट का पूरा जो कार्यभार दिया गया हमेशा की तरह है वो RBSC बोर्ड को दिया गया, तो RBSC बोर्ड है वो रिट कार्य में लगेगा, इसलिए जो बच्चों वाले काम है वो पहले RBSC बोर्ड है वो कंप्लीट कराएगा। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को, स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा, यदि आप कक्षा 12वीं की एग्जाम देने जा रहे हो तो भी अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा, और दूसरी जो मेन एग्जाम है उसकी भी तैयारी समय रहते कर लीजिएगा, कि मार्च में शुरू होगी पता नहीं अभी, क्योंकि नियमानुसार तो हर साल यहां फरवरी के लास्ट या मार्च की शुरुआत में होती, लेकिन इस बार सारा ही अस्त व्यस्त है वो मामला हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अगले चौथे अपडेट की शुरुआत करते हैं, और ये भी जो अपडेट है सभी स्कूल साथियों के लिए और स्टूडेंट के लिए बड़ा ही अच्छा अपडेट है, और अपडेट है कि अपने जो विधानसभा ना इसके अंदर एक डिजिटल म्यूजियम की शुरुआत की गई है, और जिसे पब्लिकली ओपन कर दिया गया। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि आप अपने स्कूल की तरफ से, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अपने बच्चों को ये डिजिटल म्यूजियम दिखाना चाहते हो तो ये निःशुल्क है, फ्री एंट्री यहां पे दी गई है सभी स्टूडेंट को। मैं कहना चाहूंगा अगर स्कूल के माध्यम से आप नहीं जा सकते, आप खुद अपने स्तर पर भी जा सकते, निःशुल्क एंट्री दी गई है। मुझे भी नहीं पता, मैं भी सोचूंगा कि एक दिन आऊं और वहां पर जाकर व्लॉग बनाऊं, वीडियो बनाऊं, आखिरकार इस म्यूजियम में है राजस्थान सरकार ने रखा क्या है। अगर यहां पे स्कूल साथी ग्रुप में जाते हैं बच्चों को, तो भैया यहां पे उनको मेल करना पड़ेगा आपके स्कूल लेटर पे, भैया इतने स्टूडेंट आने वाले हैं, तो उस अनुसार आपको यहां पे काम करना पड़ेगा। डिटेल से जानकारी नई वीडियो में आपको यहां पे वो बताऊंगा। चलिए अगले पांचवें अपडेट की शुरुआत करते हैं, और पांचवा जो अपडेट है वो कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम 2025 के बोर्ड फॉर्म को लेकर। काफी दिनों से आप भी इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार बोर्ड फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे, हालांकि हर बार दीपावली की छुट्टियों में बोर्ड फॉर्म भरे जा रहे थे, लेकिन इस पार पता नहीं क्या विभाग है वो सो गया, हर काम दोनों ही कक्षाओं का लेट पे लेट करते जा रहे हैं। तो भैया आपको बताना चाहूंगा जल्दी ये फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी कोई निर्धारित यहां पे डेट निश्चित यहां पे नहीं की गई है, लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा चाहे अभिभावक हो या फिर स्कूल साथी हो, दोनों ही कक्षाओं के जो स्टूडेंट के जो बोर्ड फॉर्म है ऑफलाइन आप भरकर तैयार रखिएगा, उसकी फोटो वगैरह वगैरह आप तैयार रखिएगा, क्रॉप करके अपने PC में अपलोड कर लीजिएगा, और अपना जो सिग्नेचर है स्टूडेंट का वो कर लीजिएगा, और PSP पोर्टल पर उसका डेटा है, नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग, DOB है, कैटेगरी वगैरह वगैरह, थर्ड लैंग्वेज, और सारा अप टू डेट काम रखिएगा, क्योंकि लोग कब जागते हैं स्कूल साथी, जब शुरू होते हैं सर ये समस्या आ गई, ये समस्या, पहले काम अपना कंप्लीट कर लो ना, जल्द से जल्द है वो शुरू हो जाएंगे, नए अपडेट के साथ जानकारी दूंगा। चलिए अगले छठे अपडेट की शुरुआत करते, और ये वाला जो अपडेट है वो और भी खास है स्कूल के लिए, ये है RT एडमिशन 2022-23 को लेके। और यहां पे आपने देखा होगा कि इस वर्ष यहां पे दोहरे नामांकन की स्थिति है वो पाई गई थी, कोरोना काल में भी हो सकती है, तो यहां पे कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में शो हो रहे थे, कुछ प्राइवेट में हो रहे थे, जबकि प्राइवेट में वो RT के तहत वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यहां पे विभाग ने इसके लिए थोड़ी सी छूट है वो दी गई, हालांकि ये छूट स्कूल लेवल पे नहीं दी गई है, ये छूट दी गई है DO लेवल पे। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो यहां पे सरकारी स्कूल में दोहरे नामांकन दिखा रहा है या प्राइवेट दोनों में पढ़ रहा है, दोहरा नामांकन की स्थिति दिखा रहा है, तो DO कार्यालय के द्वारा इसका प्रमाणीकरण फिलहाल किया जा रहा है कि यह बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अगर वो प्राइवेट में पढ़ रहा है तो वो वेरिफिकेशन कर देंगे, उसके 5-7 स्टेप हैं जो कि DO ID पे उपलब्ध है। तो आपके स्कूल में भी ऐसा कोई बालक बालिका है, हो सकता है कि इस बार आपने क्लेम बिल बनाए, वहां पर भी दोहरे नामांकन की वजह से उन बच्चों का नाम नहीं, और शुरू से ही वो आपके स्कूल में पढ़ाई करा, तो भैया अगर अभी तक भी आप चेते नहीं हो तो भैया DO कार्यालय से संपर्क कर लीजिएगा, और पूरे प्रूफ के साथ प्रूफ कर दीजिएगा कि यह बच्चा हमारे स्कूल में है, तो शायद आपको है भुगतान वो मिल जाए, उनसे संपर्क कर लीजिएगा, डिटेल से नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगले 7वें अपडेट की शुरुआत करते हैं,
और अपडेट है आधार कार्ड को लेके, और यह भी बड़ा खास अपडेट है, और अपडेट है जन्म और मृत्यु को लेके। देखिए अक्सर क्या होता है कि जब भी अपन बच्चे का आधार कार्ड बनाते हैं तो पहले भी एक अपडेट आया था कि आधार कार्ड के अंदर जन्म तिथि है एक बार जीवन में, और यहां पे नाम है वो जीवन भर में दो बार अपडेट करवा सकते हैं, कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन अब यहां पे एक थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया गया है कि यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो अगले एक साल से पहले पहले है वो अपनी जन्म तिथि या फिर अपना आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा या मृत्यु प्रमाण पत्र वो बनवाना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर वो नहीं बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आज जन्म हुआ है, एक साल बाद में आप उसका आधार कार्ड बनाते हैं, तो जिस दिन से आपने आधार कार्ड बनाया है उसके अगले एक साल तक ही आप जन्म तिथि में किसी का संशोधन करवा सकते हैं। अगर 5 साल बाद में आप यह सोच रहे हो ना कि यार जन्म तिथि मैं तो यह करवाना चाहता हूं, भैया नहीं होगी। तो ऐसे में सभी अभिभावकों को और स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, खास तौर पे स्कूल साथियों को, सभी बच्चों को इसकी सूचना आपको यहां पे देनी है और अभिभावक तक भी यह सूचना पहुंचानी है। और जो अभिभावक साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया आप भी देख लीजिएगा, अगर आपका भी ऐसा मामला है तो समय रहते ही सही जन्म तिथि है वो अपडेट करवा लीजिएगा। लेकिन डायरेक्टली आप नहीं करवा सकते, इससे पहले मजिस्ट्रेट से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भैया इसमें यह चेंज करना है और ये सही पाया गया है। अब यहां पे और मौका नहीं दिया जाएगा। वैसे धीरे धीरे देखो एक आम जनता के लिए कितनी कठोर कदम है सरकार उठा रही है, और जबकि भैया यहां पे बांग्लादेशियों के आधार कार्ड है, लोगों ने बना दिए सेंटर खोल खोल के, जब हमारा नाम परिवर्तन करवाना हो, हमारे जन्म तिथि में संशोधन करवाना हो तो इतना पेचीदा इसको बना दिया है, और दूसरे देशों के आधार कार्ड अपने देश में बन रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। चलिए अगले 8वें अपडेट की शुरुआत करते हैं, और 8वां जो अपडेट है यूडाइस को लेके है, और यूडाइस को लेके भैया मेरे पास हर दिन न जाने कितने धड़ाम धड़ाम मैसेज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वीडियो के नीचे के सर ये नहीं हो रहा, यो नहीं हो रहा। मैंने भी यूडाइस को लेकर एक सीरीज शुरुआत कर रखी थी, तकरीबन 5-6 वीडियो बनाए थे, काम में लगे और बना देंगे। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिए ईपी जीपी और एपी, यानी यहां पे एनरोलमेंट प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल और यहां पे फैकल्टी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होना शुरू हो गई है। जिन्होंने भी अपने स्टूडेंट का डेटा अपडेट नहीं किया है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, तो भैया सभी स्टेप को समय रहते कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्टिव बोल रहे थे कि यार यहां पे लैंग्वेज नहीं आ रही, अरे सारी समस्याओं का समाधान हो गया, कोई बात नहीं कर लो आराम से। और इसके अलावा ये भी जो नया अपडेट है एक यूडाइस को लेके है, नए स्टूडेंट की डेटा एंट्री है वो भी यहां पे फर्स्ट या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में शुरू हो रखी है, बाकी कक्षाओं में नहीं है। तो अगर आपने नए स्टूडेंट की डेटा एंट्री नहीं की तो कर लीजिएगा। अब यहां पे ईपी और यहां पे जीपी को लेके एक खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अक्सर अपने राजस्थान में क्या रुका है कि यूडाइस का डेटा है स्कूल वाले कंप्लीट नहीं कर रहे, तो यहां पे देखिए जहां एक मुझे जानकारी मिली है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो ईपी और जीपी वाला मामला ना कुछ जिलों के अंदर है, इसको ओपन कर दिया, अनलॉक कर दिया, और कुछ में अनलॉक नहीं हुआ। कारण इसका ये है कि यहां पे अपने जो यूडाइस वाले जो ऊपर वाले अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जिस जिले के अंदर यूडाइस का 93% कार्य कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर प्रोग्रेशन रिपोर्ट कंप्लीट होना जरूरी है, यानी पिछले सेशन का काम कंप्लीट होना जरूरी है, और साथ साथ में स्टूडेंट की डेटा एंट्री है वगैरह वगैरह अपडेट होना, ये अगर 93% आपकी यूडाइस या पूरे जिले के अंदर, पूरे जिले की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ईपी और जीपी वाला या पीएफ वाला ये जो ऑप्शन है ना ये एक्टिव होंगे, ऐसे में नहीं होगा। अगर आपके जिले में नहीं हो रहा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे जब काम होगा तो सब ओपन हो जाएंगे। और सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि यूडाइस का काम समय रहते अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए और भी कई अपडेट हैं, धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। एक और अगला नया अपडेट, नवा अपडेट, और वो है भैया मोबाइल फोन को लेके, स्मार्टफोन को लेके। मेरी तरह आप भी नए नए फोन रखने के बड़े शौकीन होंगे, तो भैया आपको बताना चाहूंगा मोबाइल फोन पे अब भी है 5% की बढ़ोतरी होने वाली है पैसों के अंदर है, यानी मोबाइल जो फोन है वो महंगे होने वाले हैं। तो जो भी साथी सोच रहे हैं कि मैं नया मोबाइल खरीद लूं, तो भैया आज ही खरीद लीजिएगा, अन्यथा कुछ दिन के बाद है मोबाइल फोन महंगे हो जाएंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, आप कंफ्यूज हो कि नहीं मुझे पता नहीं कौन सा मोबाइल मेरे लिए ठीक रहेगा, पैसे के अंदर है, इसमें फैसिलिटी के अंदर है, और भी सारे बहुत सारे मोबाइल के अंदर आते हैं, तो भैया मुझे बता दीजिएगा। फेसबुक पे है, आपको उसका मैं नया वर्जन या लिंक वगैरह वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा कि उसके अंदर सारी चीजें मैं बता दूंगा जो आपके लिए सही होगी। एक दो तो मैंने शायद शेयर भी किया होगा, अगर आपने देखा होगा तो, मेरा जो मेन फेसबुक है, फेसबुक पेज की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर बता दूंगा। और वैसे भी हमारी जो साइट है ना उस पर भी मैंने यहां पर लिंक है वो डाल रखे हैं, किसी लिंक पर क्लिक कीजिए
लीजिएगा, आप देखिएगा मैंने जेनुअन और जो आपके लिए बजट में है अलग अलग प्रकार के हैं वो सारे ही मैंने प्रोवाइड करवा रखे। आप कहोगे तो हमारी साइट पर भी एक पूरा पेज है वो डेवलप कर दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। चलिए अगले 10वें अपडेट की शुरुआत करते हैं। और भैया ये जो अपडेट है वो है खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड यानी एनएफएस राशन कार्ड से जुड़ा हुआ। और अपडेट ये है कि ऐसे जो परिवार हैं जो अपात्र हैं, तो यहां पे आपको पता है मैंने भी पहले जानकारी दी थी कि अपात्र परिवार को हटाया जाएगा, यहाँ पे चार पहिया वाहन वालों को हटाया जाएगा, कोई नौकरी पेशा कुछ को तो हटा दिया गया। और बीच में यहाँ पे मुहिम भी छेड़ी गई थी अपने राजस्थान में संबंधित विभाग के द्वारा। लेकिन यदि अभी भी आप इसके लिए अपात्र हो और आपने अभी भी नाम नहीं हटवाया है तो भैया समय रहते अपडेट करवा लीजिएगा या अपना नाम हटवा लीजिएगा, क्योंकि विभाग ने नाम हटाने को लेके एक और मौका दिया गया है। अगर इस मौके में आप अपना नाम हटवा लेते तो आपको किसी प्रकार का कोई जुर्माना वो नहीं लगेगा, यानी जो गवर्नमेंट का आपने गेहूं चावल दूध घी जो भी ले लिया वो आपके नाम हो गया। लेकिन जिस दिन उसकी लिस्ट में पकड़ में आप आ गए कि आप अपात्र हो तो भैया सूत समेत जहां से आपने लिया ना वहां तक आपको पूरा है देना पड़ेगा ब्याज सहित। जी हां, अब ये अपात्र परिवार कौन से हैं एक नई वीडियो के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये हैं आज के नए 10 अपडेट। इसके अलावा भी आपको लग रहा है कि यार नहीं मैंने कुछ छोड़ दिया, तो भैया छोड़ तो बहुत ही दिया वो तो मुझे ही पता है, लेकिन फिर भी कमेंट करके बता दीजिएगा जो भी अच्छा लगेगा, जो भी आपके लिए बेस्ट जानकारी होगी वो सबसे पहले दूंगा। साथ में स्कूल साथियों को, सरकारी योजनाओं को लेके, स्टूडेंट को लेके, बहुत सारे स्टूडेंट ने भी रिक्वेस्ट की है, नो टेंशन, आ गया राजगुरु जी फिर से, हर एक ख्वाहिश आपकी पूरी है वो कर देगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।